दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि कितने लंबे समय तक किसी की जमानत याचिका पर सुनवाई की जानी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने जमानत और सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दाखिल की है, जिस पर गुरुवार 5 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताते हुए पूछा कि कितने समय तक के लिए याचिका पर सुनवाई करनी चाहिए, क्या एक सामान्य व्यक्ति को इतना लंबा समय मिलता है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। अरविंद केजरीवाल की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए। उन्होंने तमाम दलीलें रखी अरविंद केजरीवाल की पक्ष में, जबकि सीबीआई की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पक्ष रख रहे थे। जस्टिस सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान चिंता जताते हुए कहा कि हम दोनों पक्षों को सुनेंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हमें कितने लंबे समय तक के लिए जमानत याचिका पर सुनवाई करनी चाहिए, क्या किसी सामान्य आदमी को इतना समय मिलता है। इस पर एसवी राजू ने कहा कि एक सामान्य व्यक्ति को भी उतना ही समय मिलना चाहिए जितना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिला। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस सूर्यकांत की इस बात पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि लॉर्डशिप, मुझे खुशी है कि आपने इस बात को याद दिला दिया है। मैं 12 बजे तक यही समय लूंगा ताकि लंच तक सुनवाई पूरी की जा सके। जस्टिस सूर्यकांत ने यह चिंता जब जाहिर की जब जमानत और गिरफ्तारी के खिलाफ याचिकाओं पर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी दलीलें दे रहे थे। तभी उनकी और एसवी राजू की बहस शुरू हो गई। एसवी राजू ने बेंच से कहा कि अभिषेक मनु सिंघवी किस पर दलीलें दे रही है, जमानत याचिका पर या जमानत के खिलाफ दाखिल याचिका पर। उन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई और कहा कि अभिषेक मनु सिंघवी इन दोनों मामलों को मिक्स कर रही है और इस पर पहले भी जो है ऑब्जेक्शन किया जा चुका है। एडवोकेट सिंघवी ने बेंच से कहा कि उन्हें दलीलें पूरी करनी दिया जाए। उन्होंने एसडी राजू से कहा कि बेंच को लगेगा तो वह रुक सकेगी और उनके पास समय है। फिलहाल देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर लगातार उम्मीदें जो है आम आदमी पार्टी की बढ़ रही है, क्योंकि इसी मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के कविता, जो कि कह सकते हैं इसी मामले में उनका नाम था, उनको भी जमानत मिल चुका है। और ऐसे में देखना होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल को भी अब जमानत मिलती हुई नजर आती है। फिलहाल आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना चैनल पॉलिटिकल बाइट।